Hey guys, welcome back to our channel Go for Agriculture. तो आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ राइस पार्ट टू देखने वाले हैं. तो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पेस्ट मॉनिटरिंग को कवर कर चुका है. सो इस प्रैक्टिस में पेस्ट मॉनिटरिंग के अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट्स हैं, जैसे कल्चरल, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल. सो ये सब बहुत सारे हैं. सो आज हम इस लेक्चर में कल्चरल मेथड्स को देखेंगे. सो कल्चरल मेथड्स के अलावा विल सी द ट्रिक्स लाइक हाउ टू रिमेंबर द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, द नेम्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस और साइंटिफिक नेम्स भी. ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं. सो फर्स्ट है ट्रिक्स टू रिमेंबर. सो आज हम टोटल 7 इंसेक्ट पेस्ट को सीखने वाले हैं. सो नाम के अलावा हम साइंटिफिक नेम्स भी याद रखेंगे फॉर श्योर. ठीक है, सो पहले ये नेम्स को याद रखने के लिए नेम्स को आई विल टेल यू स्टोरी. ठीक है, हम स्टोरी जैसे इसको यू नो वी कैन लर्न इट विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. ठीक है, सो पहले हम शुरू करेंगे स्टोरी. ठीक है, सो एक राइस फील्ड है. ठीक है, एक जगह पे एक ह्यूज राइस फील्ड, एक बहुत सारे जैसे 100 एकड़ का राइस फील्ड है. ध्यान से सुनिए. सो 100 एकड़ का राइस फील्ड है. सो हमारे लिए वो तो राइस फील्ड है. यहाँ पे पैडी ग्रो होगा और यहाँ पे इंसेक्ट्स होगा और कुछ प्रीडेटर्स होंगे. ठीक है, ह्यूमंस के लिए तो ये तो राइस फील्ड है, बस राइस फील्ड. लेकिन इंसेक्ट्स के लिए इट्स लाइक किंगडम फॉर देम. इसका घर है और इसका मतलब एवरीथिंग फूड है. वहाँ पे अच्छे से वाटर मिलेगा, अच्छे से शेल्टर मिलेगा. इसलिए इंसेक्ट्स के लिए राइस फील्ड इज लाइक अ किंगडम फॉर देम. ठीक है, सो अगर हम राइस के बारे में बात करें सो और इसका इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात करें स्टोरी में, सो ये राइस जो है इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब वीट के बाद राइस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राइस खाने वाले लोग तो बहुत है. सेम लाइक द वीट ऑल्सो. ठीक है, सो अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि राइस का ये डिमांड जो है और इसका केस है, केस ये तो अलग है. मतलब राइस का इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज करना और राइस को अच्छे से ग्रो करना, ये सब कुछ केसेस है. ठीक है, सो ये है केस वो. मतलब यहाँ से हमको क्या याद रखना है, केस इज इक्वल टू केस वॉर्म. ठीक है, सो अगर हम स्टोरी में आके इफ़ वी कम टू स्टोरी. ठीक है, सो इंसेक्ट्स के लिए राइस है, राइस का फील्ड है, किंगडम है, राज्य जैसे माहिष्मती जैसे. ठीक है, सो राज्य, सो इट्स अ किंगडम. सो अगर ये राज्य है, इसका मतलब क्या है, राज्य में किंग होनी चाहिए, राजा होने चाहिए ना राज्य में. सो वो राइस फील्ड का राजा है राइस हिस्पा. इसका नाम है राइस हिस्पा, क्योंकि इसका नाम में ही राइस है, इसलिए ही इज थिंकिंग कि चलो मैं हूँ राजा हूँ. अगर आप इसका अपियरेंस देखिए, ही लुक्स लाइक दिस. आप सेकंड पिक्चर को देख सकते हो, ये है राइस हिस्पा. ठीक है, सो इसका नाम में है पा, HISPA नाम है पा. सो बेसिकली पा का मतलब पापा, फादर, ऐसे. ठीक है, सो इसका नाम में है पा. सो इसने सोचा चलो मेरे नाम में पा है, इसका मतलब मैं ही बाप हूँ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट राइस हिस्पा थिंक्स. मेरे नाम में राइस है और पा है, इसलिए मैं भी बाप हूँ इस राइस फील्ड को. अगर आप इसका अपियरेंस देखिए, इसका ऊपर बॉडी में थॉर्न्स जैसे आप देख सकते हो ना, थॉर्न्स जैसे. सो इसने सोचा है चलो मेरे बॉडी पे थॉर्न्स है, इसका मतलब यही क्राउन है मेरे लिए. इसलिए इसने सोचा है ही इज़ द फादर, मतलब ही इज़ द किंग ऑफ द राइस फील्ड. ठीक है, ये है प्रेजेंट किंग है राइस हिस्पा. ठीक है, सो ये राइस हिस्पा ही इज़ द रूलिंग द किंगडम. सो एक विलेज से, मतलब वो ये तो किंगडम है राइस फील्ड, सो किंगडम में विलेजेस होंगे, अलग अलग कॉलोनीज होंगे. सो इसमें एक कॉलोनी से आगे हमारा ग्रीन लीफ हॉपर. ये ग्रीन लीफ हॉपर का ये क्या बोलते हैं, इसका यू नो विशेस जो है, ड्रीम्स जो है, तो बहुत हाई रेंज का है. जैसे ही वॉन्ट टू बिकम द किंग ऑफ दिस किंगडम, ये ग्रीन लीफ हॉपर. मतलब इसका ड्रीम्स है ना, ये तो इतना ऊपर सा है. ही इज़ लाइक सो ओवर ड्रीमर. सो दिखने में जैसे ऐसा लगता है ग्रीन हॉपर. सो इसने सोचा है यार मैं तो अलग ही किंगडम बना देती हूँ,
क्योंकि राइस फील्ड इनिशियल स्टेजेस में ग्रीन कलर में होगा ना, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में. सो इसने सोचा है चलो मैं अलग ही किंगडम बना देती हूँ, मीन्स पैरेलल टू दिस राइस हिस्पा वाला किंगडम, क्योंकि ये तो ग्रीन कलर में है. सो व्हेन ही यू नो फीड्स ऑन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, किसको पता नहीं चलेगा. क्योंकि इसको हम जैसे कैमोफ्लॉज जैसे, ठीक है. सो इसने बोला यार मैं तो ग्रीन कलर हूँ और इनिशियल स्टेजेस ऑफ राइस भी ग्रीन कलर में होगा, चलो आई शुड बी द किंगडम. सो इसमें नाम के जैसे नाम क्या है इसका, ग्रीन लीफ हॉपर है, हाँ ग्रीन लीफ हॉपर. सो इसका नाम है ग्रीन. और इसने बहुत अच्छे से हॉप करके ही स्टार्टेड यू नो प्रिपेयरिंग अनदर किंगडम इन द सेम फील्ड. सो अब कितने किंगडम्स है, दो किंगडम्स है, एक है राइस हिस्पा का किंगडम, दूसरा है ग्रीन लीफ हॉपर का किंगडम. मतलब ये तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप किंगडम है ये ग्रीन लीफ हॉपर का, क्योंकि इसका ये तो ग्रीन कलर है और राइस का इनिशियल स्टेजेस भी ग्रीन कलर होंगे इसने सोचा है. सो इसलिए इस ही थॉट कि ही शुड बी द किंग, ठीक है. सो ये भी अलग ही किंगडम स्टार्ट कर दिया. लेकिन ये राइस हिस्पा ना नॉर्मल किंग नहीं, इसका इन्फ्लुएंस ना इट्स लाइक सो ह्यूज. सो ये राइस हिस्पा को धीरे धीरे पता चल गया ये राइस लीफ होपर के बारे में. चलो एक और यू नो ट्रेटर है हमारे किंगडम में. सो ही वॉन्ट्स टू टेक ओवर द किंगडम. सो इसलिए ये राइस हिस्पा ने दूसरे कंट्री से, जैसे फिलिपाइन से, दे हैव गॉट सम असैसिंस. इसको हम होरल मैगट्स कहते हैं. दिखने में यू कैन सी दम, द लास्ट इमेज, ये होरल मैगट्स. ये तो देखने में बच्चे जैसे लगता है. इफ़ यू सी दम, दे आर लुकिंग लाइक अ लार्वा, दे आर लुकिंग सो इनोसेंट. लेकिन इसका काम असैसिंस है, स्नाइपर्स है, दे विल किल दम. सो ये राजा हिस्पा ने, मीन्स द राइस हिस्पा ने, ही हैव अपॉइंटेड दिस होरल मैगट्स. यार तुम लोग जाके किल दोज ग्रीन लीफ हॉपर्स, क्योंकि दे आर स्टार्टिंग एज अ किंगडम. सो ये होल मैगट्स, ये तो देखने में बहुत ही इनोसेंट है, बच्चे जैसे लग रहे हैं ना. सो दे वेंट टू दिस राइस ग्रीन लीफ हॉपर्स एंड किल्ड देम. ये है होल मैगट्स का काम. सो दिखने में मैगट्स का बेसिकली फंक्शन क्या, अगर हम बाहर बात करें मैगट्स मतलब क्या है, दे वर लाइक लार्वे विच फीड ऑन देम विच बेसिकली किल्स देम. वैसे ये मैगट्स दे हैव किल्ड अवर ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है. सो राइस हिस्पा ने ही किल्ड दिस ग्रीन लीफ हॉपर विद द हेल्प ऑफ दिस होल मैगट्स. इसलिए मैगट्स का नाम मैगट्स मतलब दे फीड ऑन देम, दे विल किल देम, दे विल टॉर्चर देम. वैसे ही मैगट्स ने ग्रीन लीफ हॉपर्स को दे किल्ड. सो ग्रीन लीफ हॉपर इज गॉन. सो दूसरा ट्रेटर, दूसरा ड्रीमर आ गया ब्राउन प्लांट हॉपर. इसका और ग्रीन लीफ हॉपर का बस एक ही फर्क है, तो ग्रीन कलर में है और हमारा ब्राउन लीफ हॉपर तो ब्राउन कलर में है. लेकिन इसके पास देखो, अगर एक राजा ने एक ट्रेटर को मारा है, सो इसका मतलब व्हाट, द होल किंगडम नोस ना कि यार राजा ने किसी को मारा है. सो वैसे ही एवरीवन गॉट टू नो दैट किंगडम में ये ग्रीन लीफ हॉपर को, सॉरी किंग ने ग्रीन लीफ हॉपर को ही किल्ड इट. सो दूसरा ड्रीमर आ गया, हम ऐसे कह सकते हैं ये ग्रीन लीफ हॉपर का भाई है ब्राउन प्लांट हॉपर. ये ब्राउन, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ ये है ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है. सो इसका भाई है, हिज ब्रदर, बिग ब्रदर. सो रिवेंज देने के लिए सो ही ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट अनदर किंगडम. सो ये ब्राउन प्लांट हॉपर को पता चल गया कि ये राइस इसका के पास एक असैसिन है, इसका नाम है होरल मैगट. देखने में बहुत इनोसेंट बच्चे जैसे लगते हैं, लेकिन वो इतना इनोसेंट नहीं है. सो ये ब्राउन प्लांट हॉपर ने एक बॉडीगार्ड को हायर किया है, इसका नाम है गाल मिज. सो गाल मिज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक वॉल जैसे, गॉल स्ट्रॉन्ग एज अ वॉल, ठीक है. ये है गॉल मिज, गॉल इज स्ट्रॉन्ग एज अ वॉल, इसलिए नाम गॉल मिज, ठीक है. सो ये ब्राउन प्लांट हॉपर ने गाल मिज को बॉडीगार्ड जैसे अपॉइंट किया है. सो इसके बारे में भी राजा को पता चल गया, मतलब राइस हिस्पा को पता चल गया. सो अगर अब होगा वॉर, सो ये राइस हिस्पा
वॉल मैगेट्स, ब्राउन प्लांट हॉपर और ये गार्मिज, ये चारों दे आर डूइंग वॉर. अब आ गया हमारा हीरो. सो व्हेन द वॉर इज हैपनिंग व्हाट हैपेंस, द मेन हीरो, दिस क्राइसिस पर इज नॉट अ हीरो, पर ये तो बस राजा है. व्हाट अबाउट द हीरो, ये तो स्टोरी है, हीरो भी होना चाहिए ना. ये कहानी का हीरो है ग्रीन स्टिंक बग. इसके पास ना एक एकदम सुपर पावर है, ये है स्टिंकीनेस. नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ग्रीन स्टिंक बग, दिखने में ग्रीन है और इसका मेन पावर है स्टिंक. इसका व्हाट विल से, इट स्मेल्स रियली बैड. ठीक है, सो इसके पास सुपर पावर है. सो ये चारों तो वॉर में है. सो ये बीच में आके इट यूज्ड इट्स पावर, इट स्टार्टेड स्मेलिंग वेरी बैड. सो ये स्मेल की वजह से ये चारों लोग मर गया. सो आप किंगडम में कोई किंग तो नहीं है, सो कौन बचा हुआ है, ग्रीन स्टिंक बग. सो ये हीरो हो गया किंग. लेकिन इसका एंट्री है ना, इसके लिए कुछ रीज़न ही नहीं है, ये तो बस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं. मतलब किंगडम में बहुत सारे ओवर ड्रीमर्स होंगे ना, जैसे मैं राजा बनना चाहता हूँ. ऐसे ही ये एक वन ऑफ द ड्रीमर है, लेकिन इसके पास पावर है, इसलिए ही बिकेम द किंग. सो आज हम इस स्लाइड में कौन से इंसेक्ट पेस्ट को सीखा है, नाम बताइए. केस वॉर्म, और राजा का नाम क्या है, राइस हिस्पा. और इसमें है टोटल दो ट्रेटर्स है, आप इसको देखिए. ठीक है, सो फर्स्ट है केस वॉर्म, क्योंकि राइस में, राइस फील्ड का और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का केस अलग है, इसलिए केस वॉर्म. दूसरा, स्टोरी में राजा कौन है, राइस हिस्पा है, क्योंकि इसका नाम है हिप्पा और राइस है, सो इसने सोचा है मैं ही बाप हूँ राइस फील्ड को. दूसरा ट्रेटर आ गया, नाम है ग्रीन लीफ हॉपर. इस ये तो ग्रीन कलर में ही, इसने सोचा है आई एम मोस्ट सुटेबल किंग, और इसने हैप्पीली हॉप करके आ गया फील्ड पे, और ही स्टार्टेड अनदर किंगडम. सो इसके बारे में किंग को पता चल गया. इसने इनोसेंट होल मैगेट्स को हायर किया इसको मारने के लिए. सो ये तो स्नाइपर्स है, असैसिंस है, हम ऐसे कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट्स. सो ये होल मैगेट्स ने, दे हैव किल्ड द ट्रेटर वन. कौन है ट्रेटर वन, ग्रीन लीफ हॉपर. सो इसका भाई आ गया ब्राउन प्लांट हॉपर. मतलब दिखने में दोनों अलग अलग लगते हैं, ये तो ग्रीन है ये तो ब्राउन है, लेकिन दे आर लाइक ब्रदर्स. ठीक है, सो ये ब्राउन प्लांट हॉपर के पास एक सिक्योरिटी है, इसका नाम है गॉलमिज. इसका पावर ना वॉल जैसे स्ट्रोंगर, दिस गॉल इज स्ट्रॉन्ग एज अ वॉल. सो इसके पास पावर है गॉलमिज. सो स्लोली ये ट्रेटर टू, मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर के बारे में भी किंग को पता चल गया. सो देन देयर इज अ वॉर. सो वॉर में आ गया हमारा पावर हीरो, कौन, ग्रीन स्टिंग बग. सो ये ग्रीन स्टिंग बग के पास एक गंदी स्मेल का पावर है, सो इसने रिलीज कर दिया वॉर में. सो फाइनली ही वन एंड ऑल ऑफ देम आर डेड. सो ही कॉन्क्वर्ड द क्या बोलते हैं किंगडम को. सो हमें आज 7 इंसेक्ट पेस्ट का नाम को सीखे है, कौन, केस वॉर्म, राइसिस पर राजा, ट्रेटर वन, होल मैगेट्स कौन, असैसिंस सीक्रेट एजेंट्स है, ब्राउन प्लांट हॉपर ट्रेटर टू है, गॉलमिच इसका सिक्योरिटी गार्ड है, और ग्रीन स्टिंग बग इज द हीरो. सो केस वॉर्म, राइसिस पर ट्रेटर कौन है, ग्रीन लीफ हॉपर है, और सीक्रेट एजेंट्स कौन है, होल मैगेट्स है, और ट्रेटर टू कौन है, ब्राउन प्लांट हॉपर, और इसका बॉडीगार्ड है गॉलमिज, और हीरो है ग्रीन स्टिंग बग. ये है इसका नाम है. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये 7 नाम का साइंटिफिक नेम्स को देखेंगे. वी विल सी द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑल दिस 7. ठीक है, सो चलो आप शुरू करते हैं. पहला है केस वॉर्म. सो आप देख सकते हो केस वॉर्म का साइंटिफिक नेम है निम्फ्यूला डिपंक्टालिस. सो निम्फ, आप इस नाम में निम्फ देख सकते हो ना, निम्फ, अरे यार चलो कोई नहीं, निम्फ देख सकते हो. सो बेसिकली निम्फ का मतलब क्या है, इमेच्योर है, इमेच्योर इंसेक्ट्स को हम निम्फ्स कहते हैं. सो यू कैन हैव अ डाउट कि यार केस वॉर्म भी इंसेक्ट है, लेकिन व्हाई डिडंट यू इंक्लूड इन द स्टोरी. इसको तो मैं बस केस के नाम के, आई हैव फिनिश्ड हिम,
वाई डिड आई इंक्लूड इज, आप देख सकते हो निम्फियोला में निम्फ है, निम्फ का मतलब इमेच्योर है, ये तो इमेच्योर है, वो राजा बन के क्या करेगा, इसलिए मैंने इसको स्टोरी में नहीं इंक्लूड किया है, इसलिए निम्फियोला, निम्फ मतलब इमेच्योर, ठीक है, ये केस फॉर्म इमेच्योर है, इसलिए आई डिडंट इंक्लूड इन द स्टोरी. सो निम्फियोला डिपंग पैलेस. नेक्स्ट है कौन, राइसिस्पा राजा है. सो ये राजा का साइंटिफिक नेम है डाइक्लेडिस्पा आर्मीगेरा. सो आप डाइक्लेडिस्पा में देख सकते हो इस्पा, इसका नाम क्या है, राइस हिस्पा, डाइक्लेडिस्पा, ठीक है. सो ये डाई जो है, सो होल मैगिस मतलब सीक्रेट एजेंट्स जो है, कितने नंबर ऑफ सीक्रेट एजेंट्स को भेजा है, दो सीक्रेट एजेंट्स, मैंने भूल गया बोलने के लिए. सो दो सीक्रेट एजेंट्स को भेजा है, इसलिए डाई क्लेडिस्पा, तो आप देख सकते हो इस्पा है इसमें, सो इसका नाम ही राइस हिस्पा है, इस्पा इस्पा दोनों सिमिलर है. सो डाइक्लेडिस्पा आर्मीगेरा, आर्मीगेरा क्यों, इसके लिए आर्मी, ये तो किंग है यार, ये तो वन मैन आर्मी है, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए आर्मीगेरा, ये तो वन मैन आर्मी बिकॉज ही इज अ किंग. डाइक्लेडिस्पा आर्मीगेरा, केस वॉर्म है निम्फिला डिपंक्टालिस, क्योंकि निम्फ है इसलिए इमेच्योर है, इसलिए मैं इसको स्टोरी में नहीं इंक्लूड किया, ठीक है. और दूसरा राइस हिस्पा, इसका नाम है डाइक्लेडिस्पा, डाई क्यों, दो होल मैगज को इसने भेजा है और हिस्पा नाम में ही है, सो डाइक्लेडिस्पा आर्मीगेरा. नेक्स्ट है ग्रीन लीफ हॉपर, ट्रेटर वन है. सो इसका है नेफोटेटिक्स सिंक्टीसेप्स. सो नेफो, आप थोड़ा सा नेफो को यू नो स्पेल करने के, सॉरी व्हेन यू लिटिल बिट स्पेल नेफो, आपको ना नेपोलियन जैसे आपको होनी चाहिए. सो बेसिकली नेपोलियन कौन है, एक लीडर है बेसिकली, सो ये भी लीडर बनना चाहते हैं ना ये ग्रीन लीफ हॉपर, इसलिए नेफोटेटिक्स सिंक्टीसेप्स. सो यहाँ पे सिंक, सो बेसिकली सिंक का मतलब है हम इसको हर रोज यूज़ करते हैं, नॉट द किचन सिंक. तो सिंक का मतलब व्हेन यू सी फॉर एग्जांपल व्हेन यू एंड योर फ्रेंड ट्विन विद द सेम कलर ऑफ द यू नो ड्रेस, हम बोलते हैं यार ये तो सिंक, ये दोनों तो सिंक में है, मीन्स यू नो सिंक मीन्स डूइंग द सेम थिंग, ऐसे कह सकते हैं. सो ये तो ही वॉन्ट टू बी इन सिंक विद द ग्रीन कलर ऑफ राइस, मतलब ये प्लांट के ग्रीन कलर्स होते हैं ना, सो ही वॉन्टेड टू बी इन द सिंक ऑफ द ग्रीन कलर, इसलिए इसका नाम है सिंक्टीसेप्स. नेफो थोड़ा सा नेपोलियन जैसे कैरेक्टर है, इसको लीडर बनना चाहते हैं, सो नेफोटेटिक सिंक्टीसेप्स. सो किंग ने किसको भेजा है ये ग्रीन लीफ हॉपर या नेफोटेटिक सिंक्टीसेप्स को मारने के लिए, होल मैगेट. सो होल मैगेट का साइंटिफिक नेम है हाइड्रिला फिलिपीना. सो आप देख सकते हो इसका अपियरेंस कैसी है, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ अरे यार, हाँ इसका अपियरेंस कैसे है, ये दिखने में वाटर जैसे शाइनिंग और क्या बोलते हैं स्लाइमी जैसे दिख रहा है ना, ये दो लार्वे. सो इसका नाम है हाइड्रिला. सो आप देख सकते हो हाइड्रिला में हाइड्रो जैसे यू नो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, हाइड्रो. सो हाइड्रो का मतलब बेसिकली वाटर होता है और ये होल मैगज दिखने में स्लाइमी भी है, सो इसलिए हाइड्रिला. और इसने कहाँ से मांगा है, मतलब फ्रॉम वेयर डिड दे हायर देम, फिलिपाइन से, सो फिलिपीना, हाइड्रिला फिलिपीना, ठीक है. सो नेक्स्ट है ठीक है. सो नेक्स्ट है ब्राउन प्लांट हॉपर और इसका साइंटिफिक नेम है नील पर्वता ल्यूजेंस, ठीक है. सो आप इस नाम में भी देख सकते हो पर्वता, यू नो बेसिकली पर्वता का मतलब माउंटेन्स होते हैं. सो ये ब्राउन प्लांट हॉपर के पास कौन है, सिक्योरिटी गार्ड गार्मिज है. सो ही विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर एज अ माउंटेन, जैसे किंग के पास बहुत ह्यूज आर्मी है, सो वो ह्यूज आर्मी को यू नो फेस करने के लिए ही शुड बी स्ट्रॉन्ग एज अ माउंटेन. और ल्यूजेंस, ये तो बहुत ह्यूज है दिखने में, क्योंकि बॉडी कॉर्ड से बेसिकली ऐसे होते हैं ना ह्यूज. सो नील पर्वता ल्यूजेंस है इसका नाम, बॉडी गार्ड माउंटेन जैसा बॉडी गार्ड, ठीक है. सो नेक्स्ट है गॉलमिच. सो गॉलमिच है ऑर्सियोलिया ओराइजे. सो आप देख सकते हो जीनस और स्पीशीज का स्टार्टिंग है ओ, ठीक है. और ये सीओ ईओ देख सकते हो ना, ईओल
और सीओल, ईओल। सो ईओल को स्पेल करने से आपको कुछ याद होनी चाहिए, आउल ईओल आउल। सो इसके पास ना आउल जैसे पावर है, आउल जैसे बॉडी है, सिंपली हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग। ये तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है जैसे आउल जैसे। सो और सीओल और सीओलिया और सीओलिया और राइजे। ठीक है, हम फिर से ये रिवाइज करेंगे। सो केस वॉर्म को हम क्यों स्टोरी में नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि ये तो इमेच्योर है, इसलिए इसका नाम निम्फिला डिपंक्टालिस। नेक्स्ट है किंग, इसका नाम है राइस हिस्पा। सो इसका नाम है हिस्पा है, और ये तो वन मैन आर्मी है, किंग है क्योंकि इसलिए किंग। सो इसका साइंटिफिक नेम है डाइक्लेडिस्पा आर्मी गेरा। नेक्स्ट ट्रेटर वन है ग्रीन लीफ हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम है निफोटेटिक्स सिंटीसेप्स। निफो क्यों, इसका मेंटालिटी नेपोलियन जैसे लीडर बनना चाहते हैं। सो सिंटीसेप्स मतलब ये ग्रीन कलर के प्लांट से सिंक होने का इसका मेन यू नो स्ट्रैटेजी है, इसलिए निफोटेटिक सिंटीसेप्स। नेक्स्ट है किंग ने किसको भेजा, होल मैगेट को। सो होल मैगेट है दिखने में वाटर जैसे स्लाइमी, और ये तो फिलिपाइंस है, सो हाइड्रिला फिलिपिना। नेक्स्ट है ब्राउन प्लांट हॉपर। सो ब्राउन प्लांट हॉपर ने ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ कौन है, गालमिच, इसका सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, सो इस ये तो दिखने में माउंटेन जैसे, ये तो बहुत ह्यूज है, इसलिए नील पर्वता ल्यूजेंस। नेक्स्ट है गालमिच, इसका जीनस और स्पीशीज ओ से स्टार्ट होते हैं, और इसका बॉडी ह्यूज माउंटेन जैसे, इसके अलावा इसके पास बहुत सारे टैलेंट्स है जस्ट एज आउल, इसलिए ऑर्सियोलिया ओराइजे। ओराइजे मतलब राइस। ठीक है, सो ये है 7 इनसे पिस्ट साइंटिफिक नेम्स और नेम्स। ठीक है, ओ आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब स्टोरी जैसा याद करने के लिए, और स्टोरी से लिंक्ड है द साइंटिफिक नेम्स इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। गाइज, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ टीचिंग, मीन दिस काइंड ऑफ टीचिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, सो दैट यू कैन रिमेंबर द इंसेप्ट ऑफ द ऑल काइंड ऑफ दीज क्रॉप्स। सो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ टीचिंग, प्लीज कमेंट मी, लाइक इफ यू लाइक इट जस्ट रेज थम्स अप सिंबल, इफ यू डोंट लाइक इट जस्ट टेल मी वाई यू डोंट लाइक इट एंड हाउ कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड मोर। क्योंकि ये यू नो रिमेंबरिंग दिस इंसेक्ट पेस्ट और इसका साइंटिफिक नेम्स बहुत यू नो डिफिकल्ट है, पता है मुझे। सो इसलिए आई हैव केम अप विद दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फन होनी चाहिए एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द थम्स अप बटन इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू डोंट लाइक इट सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम अप विद इन अ न्यू वे ऑफ टीचिंग, लाइक इफ़ यू वॉन्ट मी टू टीच दिस वे जस्ट कमेंट इट, आई वुड डू दैट, आई विल रियली डू दैट। Okay, so even if you comment anything else, I will appreciate that. Okay, so guys, thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section. And also you can download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care.